हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 9th क्लास का सेकंड चैप्टर। ओके, तो आप लोगों के कहने पर आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया था कि सर 9th क्लास का सेकंड चैप्टर जल्दी से डालिए, जल्दी से डालिए। तो हमने सोचा कि इसको डाल देना चाहिए। और ये 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी का नाम है आयाती। तो कहानी पढ़ते हैं। दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत हैज बीन टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया, कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय चम्मन लाल एंड पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या कह रहा है कि दिस स्टोरी फ्रॉम महाभारत, ये कहानी महाभारत से हैज बीन टेकन फ्रॉम, ली गई है फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया, भारत के धार्मिक कथाओं से लिया गया, कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय चमन लाल। कंपाइल्ड का मतलब होता है संकलन करना, यानी इसके संकलन करता कौन है? चमन लाल। एडिटेड किसने किया है, यानी इसका संपादन किसने किया है? तो ये चमन लाल जी है। अब तो ये जो कहानी है, इनके संकलन करता और संपादन करता ये चमनलाल जी है, और इसको पब्लिश किया गया है पब्लिकेशन डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके द्वारा ये पब्लिश की गई है। तो ये भारत सरकार की जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है उसके द्वारा ये पब्लिश किया गया। पब्लिश का मतलब प्रकाशित करना। द स्टोरी हैज बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय सीराज गोपालाचारी। तो रेंडर्ड का मतलब होता है प्रस्तुत करना, तो इसको इंग्लिश में प्रस्तुत किए हैं सीराज गोपालाचारी। अब इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, सबको उत्सुकता होगी कि आखिर सीराज गोपालाचारी कौन है, इन्होंने क्या क्या काम किया है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और ये जो पब्लिकेशन डिवीजन जो है, जो इस कहानी को प्रिंट की है, ठीक है, पब्लिश की है, तो इनके बारे में पता कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, पब्लिकेशन डिवीजन जो है, इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। इसका अगर हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात करें तो सूचना भवन लोधी रोड में, रोड न्यू दिल्ली है, और ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय के लिए भारत सरकार काम करती है। पब्लिश अब तक इसने 7600 बुक छाप चुकी है, पब्लिश कर चुकी है। आर्ट्स का मतलब होता है, सॉरी, और इस किस किस क्षेत्र में छाप चुकी है? तो आर्ट्स, कल्चर, नेशनल हेरिटेज, बायोग्राफीज ऑफ नेशनल लीडर्स, योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारत, ये सब, ये जो योजना है कुरुक्षेत्र, ये सब बुक आपको पढ़ना ही चाहिए। तो अभी तक अगर मैं बात करूं पब्लिकेशन डिवीजन की, तो वो केवल 100 वॉल्यूम केवल महात्मा गांधी के बारे में छपते थे, ठीक है। अब देखिए सीरत गोपालचारी जी के बारे में थोड़ा सा। तो इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1878 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 25 दिसंबर 1972 को। इनफॉर्मली यानी औपचारिक रूप से कोई गांव में उनके या किसी उनके फैमिली में प्यार से लोग उनको राजा जी कहते थे, और या फिर सीआर कहते थे, राजा जी या सीआर। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अगर कोई आपसे पूछे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग जी थे। लेकिन अगर कोई पूछे आपको कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे सीराज गोपालाचारी जी, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल यही थे। क्योंकि जब ये गवर्नर जनरल बने भारत के, तब उसके बाद देश आजाद हुआ, और उसके बाद उस पद को, उस पोस्ट को
एबोलिस्ट कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया। फर्स्ट अगर हम इनकी बात करें तो इन्हें भैया भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, और ये प्रथम बार ही यानी 1954 में, जब पता नहीं पेन काम क्यों नहीं कर रहे हैं, जब 1954 में मतलब भारत रत्न की शुरुआत की गई, तब उसी वक्त इनको यानी तीन आदमी को, जो तीन पर्सन थे उनको, उनमें से ये भी एक थे सीरत गोपालचारी जी, और कौन कौन थे वो, सीवी रमन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, और एक ये सी आर थे। तो यहां तक हम लोग जान लिए कि आखिर राजा जी कौन है, ठीक है। अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द फ्लोइंग, मतलब एक छोटा सा ग्रुप बनाओ और उसको क्या करना है, ग्रुप बना करके उसमें ये जो चीज बातें बताई गई है, दो क्वेश्चन दिए गए उसके बारे में डिस्कस करो। कि पहला क्या कह रहा है कि विच इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, जिंदगी का सबसे सुंदर पल कौन सा है, सबसे सुंदर समय कौन सा होता है, ये चाइल्डहुड, यूथ या फिर ओल्ड एज। अगर आपको चाइल्डहुड पसंद है तो आपको बताना है कि उसका रीजन क्या हुआ, गिव रीजन फॉर योर चॉइस, अपने चॉइस के लिए उत्तर देना है। अगर यूथ पसंद है तो क्यों यूथ पसंद है, इस चीज का आंसर आपको देना है। व्हाई डज मैन वांट टू रिमेन ऑलवेज यंग, एक आदमी जवान हमेशा क्यों रहना चाहता है, इन क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। एम्परर याति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ पांडव्स, ही हैड नेवर नोन डिफीट, मतलब ये जो याति हैं वो पांडव के पूर्वजों में से एक थे। He had never known defeat. उन्होंने मतलब एक प्रकार से कहिए तो वो हार को कभी जाना ही नहीं था, हार क्या चीज होती है इनको पता ही नहीं था, उन्होंने हार को कभी देखा ही नहीं था, हारना उन्हें आता ही नहीं था, ऐसा ही समझ लीजिए। He followed the dictators of the Shastras, adored the gods and venerated his ancestor with intense devotion. Intense devotion मतलब पूरी निष्ठा के साथ क्या करते थे, followed the dictators of the Shastras, मतलब शास्त्रों में जो बातें की गई थी, जो नियम बनाए गए थे उनको बहु मानते थे। adore का मतलब पूजा करना, तो वो भगवान की पूजा करते थे। venerated का मतलब सम्मान देना, अपने पूर्वजों का सम्मान देते थे। ancestor का मतलब पूर्वज। with intense devotion, पूरी निष्ठा के साथ, he became famous ruler as a He become famous as a ruler devoted to the welfare of his subject. मतलब subject का मतलब यहाँ पे नागरिक है। तो वो एक प्रसिद्ध है अपने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए, एक प्रसिद्ध शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए या उभरे। He become prematurely old. Prematurely का मतलब होता है समय से पूर्व, old by the curse of Shukracharya for having wronged his wife Dityani. मतलब क्या हुआ कि शुक्राचार्य ने उन्हें श्राप दिया, और श्राप देने के कारण वो समय से पूर्व ही क्या हो गए, ओल्ड हो गए। अब शुक्राचार्य ने उन्हें श्राप क्यों दिया, तो उन्होंने हैविंग रॉन्ग हिज वाइफ दिव्यानी, अपने पत्नी के साथ अन्याय किया था, रॉन्ग किया था, कुछ गलत किया था, इस कारण से उन्हें श्राप दिया। अब ये शुक्राचार्य जो है वो असुरों के गुरु हैं। इन द वर्ड्स ऑफ द पोर्ट ऑफ महाभारत, महाभारत के जो कवि है उनके शब्दों में, हयाति अटेंड दैट ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉय ब्यूटी एंड ब्रिंग्स
ऑन माइसिस, मतलब अयाति जो है वो क्या किया, कवि के शब्दों में अयाति ने उस वृद्ध अवस्था को पा लिया जिसमें जिसमें सारी जितनी भी सुंदरता होती शरीर को उसको खत्म कर देता है और दुखों का भंडार उनके सामने लिया कर रख देता है। इट इज नीडलेस टू डिस्क्राइब द माइजरी ऑफ विगोरस यूथ सडनली ब्लाइटेड। सही बात है, इसको वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं है कि एक यूथ यूथ जो है विगोरस का मतलब जोश, फुल ऑफ एनर्जी, तो एक फुल ऑफ एनर्जी वाला जो यूथ है वो सडनली उसका एज अगर खत्म हो जाता है, अचानक से गिर जाए उसके एज में वृद्ध, उसका एज जो है वृद्धावस्था में चला जाता है, तो इस चीज को वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं है कि उसके अंदर में कैसे कैसे बातें चल रही होंगी, क्या सोच रहा होगा, कितनी तड़प रहा होगा। वेयर द हॉरर ऑफ लॉस आर एक्सेंचुएटेड बाय द पेंस ऑफ रिकॉलेक्शन, जहां हॉरर का मतलब होता है लॉस का मतलब नुकसान या खोना, एक्सेंचुएटेड का मतलब दबाव देना, बाय पैंग्स, पैंग्स का मतलब वेदना और रिकॉलेक्शन का मतलब स्मरण, तो स्मरण करने की जो वेदना उसके उसके द्वारा खोने के भय को बार बार याद किया जा रहा था, बार बार सताया जा रहा था। याति नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। याति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी के रूप में, एक वृद्ध आदमी के रूप में, एक वृद्ध मैन के रूप में उन्होंने अपने आप को पाया, जो याति वॉज स्टिल हॉन्टेड बाई डिजायर फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट, वो अभी सेंसुअल सेंसुअल का मतलब होता है जो स्पेशली फिजिकल डिजायर कही है, तो कामुक हिंदी में कहें तो कामुक, ओपनली कहूं तो जो सेक्सुअल एंजॉयमेंट होती है, या फिर इस तरह से जो कामों की इच्छाएं थी उसके द्वारा वो अभी ग्रस्त था। हंड्रेड का मतलब बार बार याद आना, प्रतिबंधित हो जाना, ग्रस्त हो जाना, वो अभी ग्रस्त था। He had a five beautiful, उसके पास पांच सुंदर पुत्र थे, all virtuous and accomplished, तो वो सभी virtuous का मतलब नेक है ना, धार्मिक, सत्यवादी, और अकम्प्लिस्ट का मतलब होता है निपुण। अकम्प्लिस्ट का मतलब पहले अगर भर्व की बात करें तो ये हो गया पूरा करना, पूरा करना, ठीक है। तो पूरा करना होता है इसका मतलब, अकम्प्लिस्ड का मतलब, और इससे बना एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, पूर्ण, निपुण, कुशल, ठीक है। तो उसके जो पुत्र थे, उसके पांच पुत्र थे, सभी सुंदर थे, धार्मिक थे, नेक थे, निपुण थे। अयाति कॉल्ड देम एंड अपील्ड पिटियसली टू देयर अफेक्शन, उन्होंने उन सभी को बुलाया और उनसे एक बहुत ही समान तरीके से, दयनीय तरीके से, उनके प्यार मोहब्बत से उनको क्या किया, एक तरह से अनुरोध किया, अपील का मतलब अनुरोध करना, तो अनुरोध किया, द कोर्स ऑफ योर ग्रैंड फादर शुक्राचार्य हैज मेड मी अनएक्सपेक्टेडली प्रीमेच्योरली ओल्ड, ओके। तो ये जो बता रहे हैं कि जो आपके इनके जो ग्रैंड फादर थे यानी नाना जी, तो उन्होंने मुझे अचानक और समय से पूर्व ही वृद्ध बना दिया। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉय ऑफ लाइफ, मतलब मैंने जीवन के आनंद को अभी अनुभव ही नहीं किया था, ठीक है, मतलब अभी मैंने जीवन का जो आनंद है उसको अभी अनुभव ही नहीं किया था। फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी, मैं जानता ही नहीं था कि इस संसार में मेरे लिए क्या था, मेरे लिए उस स्टोर में क्या था, अभी तक मैंने इस चीज को जाना ही नहीं, इस चीज से मैं अनभिज्ञ,
I lived a life of restraint, denying myself even lawful pleasure. तो मैंने उस उचित न्याय संगत सुख को भी डिनाई करते हुए, इनकार करते हुए खुद को एक सख्त जीवन जिया है. One of you ought to bear the burden of my old age and give his youth in return. He, you, यहीं तक समझते हैं. तो one of you, आप में से कोई भी, ought to bear the burden of my old age, मेरे जो वृद्ध अवस्था, जो वृद्ध आयु को जो का बर्डन है, जो भार है, वो अगर भोगता है. बियर का मतलब भोगना, सहना, ठीक है. तो ये इस चीज को जो लेता है और अपना यूथ एज जो है मुझे रिटर्न में देता है, वापस देता है. ही हु एग्रीज टू दिस एंड बेस्टोस हिज यूथ ऑन मी विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम. मतलब इसके कहने का मतलब है कि जो भी मेरे एज को सहता है, एज को मेरा बर्डन जो बूढ़ा अवस्था है वो ले लेता है और बदले में अपना रिटर्न यूथ, रिटर्न में अपना यूथ एज देता है, तो मैं उसको अपने राज्य का राजा बनाऊंगा. आई डिजायर टू एंजॉय लाइफ इन द फुल विगर ऑफ यूथ. मतलब पूरी जोश के साथ मैं अपने यूथ को जीना चाहता हूँ, ठीक है, एंजॉय करना चाहता हूँ. नेक्स्ट देखते हैं. अब देखिए क्या होता है. He first asked his eldest son to do his doing. मतलब ऐसा करने के लिए, इन सब बातों को मानने के लिए पहले अपने सबसे बड़े बेटे से पूछा. That son replied. उस सन ने उत्तर दिया. ओ ग्रेट किंग, ओ महान राजा, ओ मेन एंड सर्वेंट्स, जितने भी औरत है, सर्वेंट्स है, नौकर है, वो सब मुझ पे हंसेंगे. इफ आई वॉन्ट टू टेक अपॉन माई सेल्फ ये ओल्ड एज, यदि मैं आपका स्वयं ये वृद्ध अवस्था लेता हूँ, तो जितने भी औरत नौकर हैं, राज के प्रजा लोग जो भी हैं, मतलब वो सब क्या करेंगे, मुझ पे हंसेंगे कि मैंने ये सब राजपाट ले लिया और बदले में राजपाट लेने के लिए मैंने वृद्ध अवस्था को ले लिया, इस चलते मुझ पे हंसेंगे, मैं ये नहीं चाह सकता. देखिए आगे क्या कहते हैं. तो आई कैन नॉट डू शो, मैं ऐसा नहीं कर सकता. आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर्स हु आर डियरर टू यू देन माई सेल्फ. तो आप मुझसे, मेरे छोटे भाइयों, मुझसे छोटे भाइयों से पूछिए जो मुझसे लाडले हैं, दुलारे हैं आपके. When the second son was asked, जब second son से पूछा गया, he gently refused with the word. मतलब इन शब्दों के से उन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही जेंटली तरीके से उसको रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया कि फादर यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉयज नॉट ओनली स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी बट ऑल्सो एज आई सी विजडम. मतलब पिताजी आपने तो मतलब ऐसे कह दिया, आस्क मी, पूछा टू टेक अप ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉयज नॉट ओनली ब्यूटी. मतलब वो केवल सुंदरता को ही नहीं, सुंदरता और शक्ति, मतलब स्ट्रेंथ को ही नहीं, शक्ति को और सुंदरता को ही नहीं रिफ्यूज खत्म करता है, डिस्ट्रॉय करता है, बट ऑल्सो एज आई सी, जैसा मैं दिखता हूँ बुद्धिमान, उसको भी आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू शो. मतलब मैं उतना नहीं हूँ, उतना काबिल नहीं हूँ एक तरह से, जैसा आप कह रहे हैं करने के लिए. अब देखिए आते हैं तीसरे सन के पास. द थर्ड सन रिप्लाइड, मतलब तीसरे पुत्र ने उत्तर दिया. एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड अ हॉर्स और एन एलिफेंट. मतलब एक बूढ़ा आदमी जो है वो ना ही हॉर्स चला सकता है ना एलिफेंट. हिज स्पीच विल फॉल्टर, उसका जो स्पीच है, उसकी बोली जो है, एक सही बात है, एक बूढ़ा आदमी बोल, मतलब हम लोगों की तरह एक सुर लगातार बोल नहीं सकता है, उसकी बातें जो है लड़खड़ा जाएंगी. व्हाट कैन आई डू इन सच हेल्पलेस प्लाइट. प्लाइट का मतलब अवस्था, स्थिति, मतलब उस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ. आई कैन नॉट एग्री, मैं सहमत हूँ, मैं इस आपके इस ओल्ड एज को ले लूं और मैं अपना यूथ ही दे दूं.
ऐसा करने से तो ना ही मैं वो हॉर्स और ना ही एलिफेंट चला सकता हूँ। उसको चलाने के लिए तो बोली सही से निकलना चाहिए, जो सही से एक बूढ़े व्यक्ति का बात जो है वो लड़खड़ा जाता है। ठीक है, किंग ग्री एंग्री वेन ही सा, राजा जो है नाराज हो गए वेन ही सा, मतलब वे सभी देखें दैट हिज थ्री सन्स हैड डिक्लाइन टू डू एज ही विश्ड, मतलब ये जैसा चाहते थे उस तरह से तीनों सनों ने, तीनों पुत्र ने इनकार कर दिया। ये सब इन सब चीजों को देख करके वो एंग्री हो गए, नाराज हो गए। ही होप्ड फॉर बेटर फ्रॉम हिज फोर्थ सन, और वो इन तीनों पुत्रों से अच्छा अपने चौथे सन से कर रहे थे, कि उम्मीद कर रहे थे। टू होम ही सेड, और उन्होंने, यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, इफ यू एक्सचेंज योर यूथ विद मी आई शल गिव इट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम, मतलब अगर तुम मुझे अपना ओल्ड एज यूथ एज देते हो तो मैं तुम्हें उसके बदले में एक्सचेंज करते हो, अदला बदला करते हो तो कुछ समय बाद मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम मेरे राज के राजा बनना, किंगडम के राजा बनोगे। एंड टेक बैक द ओल्ड विद विच आई हैव बीन कॉस्ट, मतलब जो भी मुझे श्राप मिला है। ठीक है, एक बार और यहां से पढ़ लीजिए इस कहानी को। इफ यू एक्सचेंज योर यूथ विद मी, यदि आप अपने यूथ को मेरे साथ बदलते हैं, आई शल गिव इट बैक, मैं इसे वापस दे दूंगा टू यू आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। टेक बैक द ओल्ड एज, और मैं उस वृद्ध अवस्था को भी वापस ले लूंगा, विद विच जिसके साथ 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 जो मैंने कर्स, मुझे कर्स दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। Who was Emperor Yati? Emperor Yati कौन है? How did Yati become old? और वो जो याति है वो कैसे बूढ़े बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, ओल्ड कैसे हो गए? Who caused him? इसका मतलब एक एक वर्ड में या फिर एक लाइन में आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। Was Yati devoid of sensual desire? तो क्या डिवाइड का मतलब दूर करना, हटाना? तो क्या आयाती ने अपने सेंसुअल डिजायरों को छोड़ दिया? व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ हिज एल्डेस्ट सन, मतलब उसके बड़े पुत्र का क्या उत्तर था जब उसने ये कहा कि तुम मुझे अपना यूथ यस दे दो और बदले में ये साम्राज्य ले लो, तो उसने क्या कहा इसके बारे में आंसर देना है। व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, और वो एंग्री क्यों हो गया, नाराज क्यों हो गया, इसका उत्तर आपको मेरी कमेंट बॉक्स में देना है या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी भेज सकते हैं। अब फिर कहानी पढ़ते हैं। द फोर्थ सन बेग टू फॉरगिवन एज दिस वाज अ थिंग ही कुड बाय नो मींस कंसेंट टू। तो उनके जो चौथे पुत्र थे उन्होंने भी माफी मांग ली, एंड एज दिस वाज द थिंग, जैसा ये था, ही कुड बाय नो मींस कंसेंट टू, मतलब ये किसी भी तरह से, नो मींस का मतलब होता है किसी भी तरह से, बाय नो मींस मतलब किसी भी तरह से वो सहमत नहीं हुआ। चौथे सन ने भी, भाई मुझे क्षमा कर दो पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे बस की बात नहीं है आपका ये, आप अपना साम्राज्य और आप ही राजा रहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो अपना यूथ ये जी पसंद है। तो इसने, फोर्थ सन ने भी मना कर दिया, बाँच के छोटा सा पुत्र, छोटा सबसे छोटा पुत्र, यंगेस्ट, एन ओल्ड मैन हैज टू सीक द हेल्प ऑफ अदर इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन, अ मोस्ट पिटीफुल प्लाइट। देखिए क्या कह रहा है ये चौथा सन, एक ओल्ड मैन जो है वो अपने शरीर को भी, बॉडी को भी क्लीन करने के लिए दूसरों की सहायता मांगनी पड़ती है, तो इस अवस्था में मैं क्या कर सकता हूँ?
बहुत ही दयनीय अवस्था होती है, मोस्ट पिटीफुल प्लाइट, बहुत ही दयनीय अवस्था होती है एक वृद्ध आदमी की, कि वो अगर अपने बॉडी को भी साफ करना है तो उसे दूसरे की सहायता चाहिए। नो मच एज ही लव्ड हिज फादर ही कुड नॉट डू इट, मतलब वो अपने पिता के रूप में जैसे प्रेम करता है ठीक है, इससे ज्यादा वो कुछ और नहीं कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। Ayati was struck with sorrow at the refusal of four sons. He paused for some time and then supplicated his last son, who had never yet opposed his wishes. मतलब कहने का मतलब है कि ये जो Ayati हैं, दुख से मतलब चारों सनों के refusal से वो बहुत दुखी थे, और कुछ क्षण के लिए मतलब he paused for some time, कुछ समय के लिए वो रुके, and then supplicated. और मतलब विनती करना, सप्लीकेटेड का मतलब विनती करना, प्रार्थना करना, और उन्होंने अपने लास्ट सन यानी पांचवें पुत्र से ये विनती की, अनुरोध किया, हु हैड नेवर एट अपोज, जिसने अभी तक कभी भी अपने पिता का विरोध नहीं किया था, यू मस्ट सेव मी, तुम मुझे जरूर बचा लोगे, तुम मुझे अवश्य ही बचाओगे। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विद इट्स रिंकल्स, रिंकल्स मतलब जो शरीर पे जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो शरीर पे झुर्रियां जो पड़ जाती है उसको रिंकल कहते हैं। डेबिलिटी मतलब कमजोरी, एंड ग्रे हेयर्स मतलब सफेद बाल। अब देखिए कहता है कि आई हैव टू ग्रे हेयर्स, ठीक है, या फिर उसके सफेद बाल है, तो इस तरह के सफेद बाल के लिए जब हम ट्रांसलेशन में यूज करें तो ये नहीं कहेंगे कि उसके सफेद बाल हैं तो ग्रे हेयर्स, नो सॉरी व्हाइट हेयर्स ना कहें, ग्रे हेयर्स कहें, ठीक है, व्हाइट हेयर्स नहीं कहते हैं बाल को, ठीक है, उजले बाल के लिए हम ग्रे हेयर्स का यूज करते हैं। एज रिजल्ट ऑफ द कोर्स ऑफ शुक्राचार्य, मतलब ये सब जो भी रिंकल्स, डेबिलिटी और ग्रे हेयर्स हैं, ये मुझे समय से पूर्व हुआ, और किस कारण से हुआ, तो शुक्राचार्य के कर्ज के परिणाम के फलस्वरूप, मतलब उसके रिजल्ट में मुझे ये मिला, उन्होंने शराब दिया और मुझे ये सभी चीजें मिली कि मैं समय से पूर्व ओल्ड हो गया। और एक ओल्ड आदमी के क्या क्या होती है खूबियां, रिंकल्स होंगे, डेबिलिटी होगी, ग्रे हेयर्स होंगे, सही बात है कि उसके शरीर पर झुरिया पड़ गए होंगे, डेबिलिटी मतलब कमजोर हो गया होगा पूरा, और ग्रे हेयर्स का मतलब सफेद बाल होंगे। आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसे भोग नहीं सकता, इफ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दिस इनफॉर्मिटीज का मतलब वही दुर्बलता, इन सब दुर्बलताओं को अगर तुम ले लो, आई शैल एंजॉय लाइफ फॉर जस्ट अ व्हाइल मोर एंड देन गिव यू बैक your youth and resume my old age and all its sorrows, मतलब इसके जितने भी दुख हैं, अगर तुम मुझे मैं इसको भोग नहीं सकता, अगर तुम मुझे अपना ये सब मेरा जो है इनफॉर्मिटीज जो है, जो दुर्बलता है, वो सब अगर तुम ले लो, तो I shall enjoy life, मैं जीवन का आनंद लूंगा for just while more and then give you all, मतलब कुछ सालों के लिए मैं इस जीवन का आनंद लूंगा और उसके बाद मैं आपको ये रिटर्न दे दूंगा, और इसके जितनी भी सोरोज है यानी दुख है मैं उसको भी वापस ले लूंगा। अब देखिए क्या कहता है पूर्व, डोंट रिफ्यूज एज योर एल्डर ब्रदर्स हैव डन, मतलब पूर्व जो है उसने अपने बड़े भाइयों की तरह रिफ्यूज नहीं कर सका, ठीक है, डोंट रिफ्यूज नहीं रिफ्यूज कर पाया, इनकार नहीं कर पाया, रिफ्यूज का मतलब इनकार करना, as your elder brother have done, जैसे उसके बड़े भाई कर चुके थे उस तरह से ये नहीं कर पाया। पुरु द यंगेस्ट सन, पुरु जो है सबसे छोटा बेटा है, मोस्ट बाई फिलियल लव, फिलियल लव का मतलब एक तरह से जो पिता पुत्र के बीच में होता है प्यार, उसको कहते हैं फिलियल लव।
तो उस फिलियल लव की तरफ बढ़ा, असैड और कहा, फादर आई ग्लेडली गिव यू माई यूथ एंड रिलीव यू ऑफ द सोरोस ऑफ द ओल्ड एज एंड द केयर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, मैं खुशी से आपको अपना ये यूथ एज दे देता हूँ और आपको इन सोरो से, ओल्ड एज के जितने भी दुख हैं, उनसे आपको मुक्ति दिला देता हूं। अब देखिए क्या कह रहा है, बी हैप्पी, अब खुश हो गया, हियरिंग दिस वर्ड्स आयाते बिकम अ यूथ, इन सब खुश होकर के सुनते ही, हियरिंग दिस वर्ड्स, इन शब्दों को सुनते ही आयाते बिकम अ यूथ, आयाते क्या हो गया, यूथ हो गया और खुश हो गया। पुरु हु एक्सेप्टेड, जिसने स्वीकार किया, द ओल्ड एज ऑफ हिज फादर रूल्ड द किंगडम, उसने उस किंगडम पे रूल किया यानी शासन किया, एंड एक्वायर्ड अ ग्रेट मिलियन। अब देखिए, एक पिता का जितने भी सौरव है उसने क्या किया, अपने ऊपर ले लिया, और एक तरह से सभी, जिस तरह से सभी पुत्रों ने इनकार कर दिया था, रिनाउन का मतलब प्रसिद्धि प्राप्त की, तो सभी पुत्रों ने इनकार कर दिया था, और एक यही था जिसने इस ओल्ड एज को स्वीकार किया। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, आयाति इंस्पायर्ड लाइफ फॉर लॉन्ग एंड नॉट सटिस्फाइड, वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुवेरा एंड स्पेंट मेनी इयर्स विद एन अप्सरा मैडम, मतलब मैडम का मतलब कुंवारी अप्सरा जो होती है, उनके साथ बहुत साल व्यतीत किया, लेकिन उसने जीवन को खूब एंजॉय किया, लेकिन सटिस्फाइड नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट इन वेन एफर्ट्स, मतलब बहुत साल अपने बेकार के प्रयासों में उसने तो उसने क्या किया, बहुत साल अपने यूथ एज को, अपने एज मतलब एक तरह से बेकार के कामों में, बेकार के प्रयासों में, इन वेन का मतलब व्यर्थ में, ठीक है, तो व्यर्थ में बहुत साल उन्होंने व्यतीत करने के बाद अपने मतलब क्वेंच टू क्वेंच, और किस लिए, क्वेंच डिजायर, क्वेंच का मतलब शांत करने के लिए, ठंडा करने के, एक तरह से पूरा करने के लिए, इंडल्जेंस अतिभोग से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत समय व्यतीत करने के बाद, बेकार में व्यर्थ करने के बाद, द ट्रुथ डॉन्ट ऑन हिम, तो उन्होंने क्या किया, जो सच्चाई थी तब उन्हें पता चला, डॉन्ट का मतलब प्रकट होना, जागना, पांव फटना, सवेरा होना, यानी उस बात को, सच्चाई की का पता उन्हें चला, कि एंड रिटर्निंग टू पुरु ही सेड, और देखिए क्या कह रहे हैं, कि रिटर्न करते हुए पुरु को, और उन्होंने कहा कि डियर सन, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंचेड बाय इंटेलिजेंस, मतलब अतिभोग से सेंसुअल डिजायरमेंट को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है, कभी शांत नहीं किया जा सकता है, कभी ठंडा नहीं किया जा सकता है, एनी मोर देन फायर इज बाय पोरिंग घी इन इट, अगर आग है उसमें जितना भी हम घी डालेंगे वो उतना ही ज्वलित होगी, सही बात है। इट आई हैड हियर्ड, मैंने सुना था, एंड रीड दिस, और इसे पढ़ा भी था, अध्ययन भी किया था, बट टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज, मतलब अभी तक मैंने इसको रियलाइज नहीं किया था, महसूस नहीं किया था, अनुभव नहीं किया था, नो एब्सेप्ट ऑफ डिजायर, डिजायर का कोई भी एब्सेप्ट, कर्ण हो, गोल्ड हो, कैटल हो, वुमेन, नथिंग कैन नेवर सेटिस्फाई, मतलब कोई भी चीज, चाहे वो कर्ण हो, चाहे गोल्ड हो, या कैटल हो, या वुमेन हो, कोई भी चीज आपको आपके डिजायर को कभी पूरा नहीं कर सकता है, कभी संतुष्ट नहीं कर सकता है, आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। द डिजायर ऑफ अ वुमेन, सॉरी ऑफ अ मैन, एक आदमी की इच्छाओ को कभी वो पूरा ही कर ही नहीं सकता, कभी संतुष्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। देखिए, जैसे आदमी
थोड़ा सा उसके पास पैसा हो जाता है, चाहता है कि वो और जाए, फिर उतना हो जाता है, फिर चाहता है कि और हो जाए, मतलब इस तरह से एक सीढ़ी चढ़ेगा तो कहेगा नहीं थोड़ा और चढ़ लेते हैं, थोड़ा और चढ़ लेते हैं। कहानी भी हिंदी में होगा शायद, एक जब दिया गया था कि आदमी को जमीन नापने के लिए कि तुम जितना चल लो एक दिन में सूरज डूबने से पहले उतना चल कर आ जाओ, तो वहां तक आपको वो आपकी जमीन होगी। तो वो दिन मतलब पूरा चलता चलता ही मर गया, तो उसको लालच पकड़ लिया। तो इसी तरह होता है कि एक आदमी की इच्छाओं को हम कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। हमारी इच्छा मतलब हमको जितना मिलेगा उतना ही और हम उपभोग की वस्तुएं चाहेंगे कि और भी हो जाए और भी हो जाए, और दिन पर दिन आलसी होते जाएंगे। और क्या हो, घर पे बैठे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, कल कर लेंगे कल कर लेंगे, कल होते रह जाएगा, आज पढ़ लेंगे तो बढ़िया। तो वी कैन रीच पीस ओनली बाय अ मेंटल पोस्ट बियॉन्ड लाइक एंड डिसलाइक, मतलब उन सब चीजों पर हम शांति से और मेंटल पोज मतलब मानसिक अवस्था जैसे लाइक और डिसलाइक के द्वारा ही मतलब के पर ही हम पहुंच सकते हैं। सच इज अ स्टेट ऑफ ब्राह्मण, इस तरह की अवस्था एक ब्राह्मण की होती है। टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल, मतलब अपना जो है यूथ वापस लो एंड इस साम्राज्य पे शासन करो समझदारी से अच्छी तरह से। विद दिस वर्ड्स यति टुक बैक हिज ओल्ड एज, और उसने अपना इन शब्दों के साथ उसने क्या किया, अपना ओल्ड एज वापस ले लिया। उरु हु रीगेन्ड हिज यूथ, रीगेन्ड का मतलब पुनः पाना, गेन का मतलब पाना और रीगेन्ड का मतलब पुनः पाना, वॉज मेड किंग बाई याति, मतलब याति के द्वारा उसको राजा बनाया गया। हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट, रिटायर का मतलब क्या होता है, सेवानिवृत्त होना, तो वो और शरण लेना भी होता है रिटायर्ड का मतलब, ठीक है। तो उसने क्या किया, जंगल में शरण लिया। He spent his time there in austerities, और क्या तो he spent his time there in austerities and in due course attained heaven, तो उसने क्या किया कि अपना जो समय है अपनी तपस्याओं में व्यतीत किया। austerities का मतलब क्या होता है, तपस्या, and in due course मतलब उचित समय पे, on time समय पर, in time, ठीक है, इसका मतलब यही होता है, ऑन टाइम इन टाइम समय पे उचित समय पे ठीक समय पे अटेंड हैवन, मतलब वो क्या क्या हुआ, स्वर्ग की प्राप्ति हुई उसे, ठीक है। तो इस तरह से इस कहानी को हम लोगों ने पढ़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी कि एक राजा था, उसको शुक्राचार्य ने श्राप दिया और वो असुरों के गुरु थे, उनके श्राप के भाव श्राप क्यों मिला, उनके पति के पत्नी के साथ अन्याय करने के लिए। मैं इस कहानी को थोड़ा भी बता सकता हूँ ऐसे ही, कि एक राजा थे याति नाम के, और उन्होंने शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु थे उनकी बेटी से शादी की, और उसको शादी करने के बाद अपने घर लाए और उनके साथ एक नौकरानी भी आई थी जो उनकी देखभाल करने के लिए, पर धीरे धीरे वो भी उतनी सुंदर थी, राजा मंत्र मुग्ध हो गए और उनसे ब्याह करने का फैसला लिया और उनसे शादी भी कर ली, उनसे भी तीन पुत्र हुए। इस जबकि वो शुक्राचार्य को कह कर आए थे कि हम इसके बाद किसी और से शादी नहीं करेंगे, तो इस कारण से उस जो देवयानी थी उसने शुक्राचार्य को कहा, शुक्राचार्य ने सुन करके उसे श्राप दे दिया और इस कारण से वो ओल्ड एज हो गया। और वो अपने बेटे सबसे कह रहे हैं कि तुम मेरा यूथ एज ले, सॉरी ओल्ड एज ले लो और रिटर्न में अपना यूथ एज दे दो। तो चार पुत्रों ने तो बिल्कुल भी मना कर दिया, और पांचवे पुत्र ने जो सबसे छोटा पुत्र था उसने स्वीकार किया, और इन्होंने क्या किया, उसका यूथ एज ले लिया और खूब स्पेंड किया, बहुत खूब अपना टाइम मतलब एंजॉय मस्ती में खूब गुजारा। उसके बाद उनको तब भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुए, तो वो अपने फिर आए अपने और बोले कि एक आदमी को ना ही कॉइन गोल्ड कैटल ये सब वोमेन ये सब कभी भी आदमी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए तुम ये अपना यूथ एज लो और
इस साम्राज्य पे वाइजली, समझदारी से और अच्छी तरह से शासन करो, चलाओ, राज कार्यभार जो है वो अपना लो और संभालो इसको बढ़िया तरीके से। और उसने क्या किया, अपने घर गए, सॉरी जंगल चले गए, जंगल में जाकर उन्होंने तपस्या की। एक समय तपस्या पूर्ण होने के बाद उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति की। तो इस तरह से ये कहानी था, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और मैंने जो क्वेश्चन बताया वो आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मेरे कमेंट बॉक्स में सब देना है, तभी मैं सेकंड इसके बाद वाले चैप्टर लेकर आऊंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।